भागलपुर के मधुसूदनपुर टीओपी क्षेत्र के महम्मदपुर शीतला स्थान के पास दो पक्षों के बीच हिंसक मारपीट की घटना हुई। इस बात को लेकर यहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है। नाथनगर के मसूदपुर टीओपी के एसआई विपिन यादव ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर इस मामले की छानबीन की। बताया जाता है कि दुष्कर्म के दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस यहां पहुंची थी। इसी दौरान झड़प की घटना सामने आई। परिजन आरोपित की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे और पुलिस से ही लोग भिड़ गए। परिजनों का उग्र रूप देखकर पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा। इस दौरान आरोपी के परिजनों ने दूसरे पक्ष के कुछ लोगों पर पुलिस का मुखबिरी करने का आरोप लगाते हुए पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना में घायल लोगों को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भेजवाया गया है। घटना के बाद दोनों पक्षों में विवाद एवं तनाव की खबर मिल रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद नाथनगर के सर्किल इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन पुलिस अधिकारियों की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस कैंपिंग का अभियान शुरू कर दिया है। उग्र लोगों को पहले खदेड़ कर पुलिस ने भगा दिया, जिस दौरान इंस्पेक्टर सज्जाद हुसैन ने स्थिति नियंत्रित होने की बात कही है। हालांकि पुलिस को इस दौरान भारी विरोध का सामना करना पड़ा। बहरहाल पुलिस के अधिकारी इस मामले में गंभीरता के साथ कार्रवाई में जुटे हुए हैं। पुलिस का बताना है कि स्थिति नियंत्रण में है। कौन ने क्या किया? यही जमीन है, हमको भी जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी जैसे तुरंत आ रहे हैं, जैसे पता चला हमको तुरंत आए हम। अच्छा, देख रहे सब परेशान, इधर मार सब कर लिया दोनों, कैसे कैसे आपने किया हमको नहीं अभी पता। आए थे उन लोगों का केस था ऊपर पकड़ने के लिए, अदर पार्टी को आया था लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया। उधर भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बैजानी के समीप उत्पाद विभाग ने आज बड़ी कार्रवाई की। उजले रंग की एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। साथ ही दो तस्कर को भी इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग की टीम संध्या गश्ती पर निकली थी, तभी इस मामले की जानकारी मिली और यह कार्रवाई की गई। सर कहां से पकड़ाया दल? ये आज जो है हमारे सब इंस्पेक्टर लालू कुमार और नीतीश कुमार, इन दोनों के साथ हम लोग आज संध्या गश्ती में जा रहे थे। तो ये लोग जो है बौसी रोड में बैजानी के पास ये गाड़ी जो है संध्यास्पद अवस्था में आती हुई दिखाई दी। इसको रोक के तलाशी लेने पर इसमें जो है बहुत तरह का सेट कर करके देसी शराब की खेप लाई जा रही थी झारखंड से, जो पकड़ी गई है। भागलपुर में कोरोना के कहर को देखते हुए 7 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। दूसरे दिन लॉकडाउन के बीच शहर में पुलिस ने आज फ्लैग मार्च निकाला। सिटी डीएसपी राजवंश सिंह के नेतृत्व में पुलिस फ्लैग मार्च में शामिल थी। जगह जगह पुलिस फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को जागरूक भी की और लॉकडाउन के नियमों को सख्ती से अनुपालन करने की अपील भी की जाती रही। जो निर्देश है 16 तारीख के सुबह तक लॉकडाउन का, उसी के अनुपालन के लिए मेरे नेतृत्व में वरीय अधिकारियों के निर्देशानुसार ये फ्लैग मार्च निकला है। हम लोग सारे शहरी क्षेत्र में घूमकर ये सुनिश्चित करेंगे कि लॉकडाउन के शर्तों का पालन। भागलपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर एक ओर जहां आनन फानन में जिला प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, वहीं लोगों में व्याप्त संक्रमण के भय को कम करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने भी पूरी सख्ती अपना दी है। शहर को सैनिटाइज करने का अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में दिन भर आज यह कार्यक्रम चलाया गया। उप नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा की मौजूदगी में निगम और अग्निशमन विभाग की टीम ने जगह जगह सैनिटाइज का अभियान चलाया। उप नगर आयुक्त ने इस दौरान कहा कि लोगों में संक्रमण का भय व्याप्त हो गया था, इसे खत्म करने के लिए निगम कर्मी पिछले कई दिनों से लगातार कार्रवाई के अभियान में जुटे हुए हैं। क्या करना? ये अच्छी बात है कि उन्होंने नगर निगम ने की नींद टूटी और उन्होंने सैनिटाइजेशन जरूर शुरू किया, लेकिन ये कोई अच्छा बात नहीं है कि कोई झकझोरने के बाद जगह उनको तो लगातार जिस तरह से कोरोना का मरीज अभी थम नहीं रहा था, लॉकडाउन तो मजबूरी बस सरकार को तोड़ना पड़ा, लेकिन कोरोना जब रुका नहीं था तो नगर निगम को लगातार एक्टिव होके इसको कंट्रोल करने के लिए सैनिटाइजेशन करते रहना चाहिए था। देखिए, यो तो सैनिटाइजेशन का काम जब से कोविड 19 का प्रकोप हुआ है तब से लगातार किया जा रहा था,
और इधर कुछ दिनों में जब अनलॉकडाउन प्रारंभ हुआ है तभी सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा था, लेकिन फिर से भागलपुर शहर को, शहरी क्षेत्र को लॉकडाउन घोषण जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया है। तो सैनिटाइजेशन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आज से 5 सैनिटाइजेशन की 4 छोटी गाड़ियां और 1 बड़ी गाड़ियों को आज फिर से लगाया गया है, ताकि सैनिटाइजेशन के प्रति जो लोगों में है कि सैनिटाइजेशन हो, ताकि लोगों में जो भय व्याप्त है वो दूर हो जाए, इसके लिए किया जा रहा है। और निश्चित रूप से हम लोग इस पर विजय पाएंगे, हम लोग इस काम को लगातार करते रहेंगे। हमारे डिप्टी मेयर साहब काफ़ी प्रेरित कर रहे हैं हमारे मजदूरों को, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे सारे कर्मियों को इन्होंने प्रेरित किया है, इसके लिए मैं भी इनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।